साक्षर महफिल, ये है नव साक्षर महफिल, ये है नव साक्षर महफिल। हाँ तो साथियों, आज के विषय पर बातचीत शुरू की जाए। मनीष जी उधर देखिए। आप तो जानते ही हैं कि इन्हें लंबी सांस लेने और छोड़ने में क्या लाभ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आप जानते हैं? मैं बताऊं दीदी, अनजाने में हम प्राणायाम कर रहे हैं जिससे शरीर के जो विष हैं, टॉक्सिन्स, वे जल रहे हैं। भाई बहुत खूब, तुम्हें टॉक्सिन्स की बात कैसे मालूम हुई? है दीदी, वो एक स्वास्थ्य पत्रिका में पढ़ा था। जब हम खुले वातावरण में लंबी लंबी सांस लेते हैं तो ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और हमारे शरीर की जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास के साथ बाहर निकलती है। आइए सविता बैठिए। देखा साथियों, हम सभी लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पढ़ने से। अच्छा बताओ, आप में से कौन कौन लोग हैं जो समाचार पत्र और अन्य पत्रिकाएं रोज पढ़ते हैं? आधे भाई लोग तो अखबार पढ़ते ही नहीं हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ ये ठीक नहीं है भाई। हाँ सविता दीदी, अब हम प्रतिदिन अखबार पढ़ने की आदत बनाएंगे, लेकिन समय का अच्छी तरह नियोजन करो, यानी प्लानिंग करो। और देखो साथियों, जब भी किसी काम को करने की मन में ठान ली जाती है तो समय अपने आप निकल आता है। सच कह रहा हूँ, समय एक तरह से रबड़ होता है, उसे जितना खींचोगे खिंच जाता है, और जब काम पूरा हो जाता है सच में, तब कितनी प्रसन्नता मिलती है। भैया जी, जब मेरा गणित का सवाल सही हो जाता है ना, तो मैं फूले नहीं समाती। हाँ ये बात तो है वैसे हंसने की भी। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे इतने मोटे मोटे ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें क्या यूं ही लिखी गई होंगी? और हाँ, ये रोजमर्रा की साधारण से दिखने वाली चीजें जैसे बिजली, बिजली का बल्ब, दवाइयां, मोटर, ट्रेन, क्या इन सब का आविष्कार यूं ही हो गया होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि वैज्ञानिकों ने और आविष्कारकों ने इन सब को बनाने में इनका कितना प्रयोग किया होगा, तब जाकर ये तरक्की मिली है। मनीष भैया, सचमुच में जब हम सब इन बातों के बारे में सोचे है ना, तो हमारा मन श्रद्धा से भर जाए बेटा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने और उनके भी बाप दादा ने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा बेटा हमें सभ्यता की या मंजिल तक पहुंचाने में। अरे वाह रामू काका, ये तो आज आपने बहुत ही ऊंची बात कही। हाँ। सच में साथियों, प्रत्येक राष्ट्र की, देश की अपनी एक सभ्यता होती है, एक तहजीब होती है। आप जानते हो सभी देशों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, लेकिन उन सब की मिली जुली एक संस्कृति होती है और जो उन सभी की अपनी धरोहर होती है। हाँ, किसी राष्ट्र की संस्कृति ही तो उसकी पहचान है। उदाहरण के लिए भारत का रहने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसके रहन सहन, सोचने समझने और व्यवहार के तौर तरीके से अनायास ही पता चल जाएगा कि वो भारतवासी है। सविता जी, यहाँ को मतलब तो यू हो ना कि चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख या ईसाई, अगर हम भारत में रह में ही, यानी मतलब हिंदुस्तान में, तो हम सब भारतवासी है गए, हिंदुस्तानी क्यों? अरे काका, राम जी भला करे तोहर, यो तो सीधी सी बात है, भारत में रहने वाले को भारतीय ही तो कहा जावेगा, भला कोई उसे अंग्रेज, अमेरिकन कैसे कह सके हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने तीजन भाई, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, हमारा साहित्य, कला और सोच, इन सभी को मिला जुला कर बनता है हमारा व्यक्तित्व। हाँ, और इन सारी बातों को मिलाकर बनती है हमारी अपनी संस्कृति। उदाहरण के लिए ले लो हमारे देश के तीज त्योहार, व्रत, उपवास, मेले और शोभा यात्राएं। आपने अक्सर देखा होगा और जरूर देखा होगा कि इन सभी में कितना उत्साह और जोश भरा हुआ रहता है। मनीष भैया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा देश है ना जो भारत पर है, बड़ा रंगीला। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा।
तरह के त्योहार, तीज, होली, दिवाली, दशहरा और वो काके ईद और वो भैया किसमिस और गनगौर और वो जन तरह तरह के रंगीन त्योहार। अरे काका, क्रिसमस नहीं क्रिसमस। अरे काका, राम जी भला करे, जरा सोचो तो सही कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पूरे संसार की 6 ऋतुएं पाई जावे। भैया हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी 6 ऋतुएं होवे, वो है ना अपनी गर्मी, सर्दी, वर्षा और बसंत। और वे ऋतुएं जो अपने समय पर आवे हैं और जावे हैं, उनका तो अलग ही माहौल होवे है जो मन को उमंग से भर देवे है। अरे काकी, आपने तो रंग बिरंगी ऋतुओं का नक्शा खींच दिया। सर्दी समाप्त होती है भैया, और कठोर ठंड धीरे धीरे गुलाबी ठंड में बदल जाती है। और भैया फिर आता है बसंत ऋतु राज। और हाँ मनीष भैया, पेड़ पौधों पर नए गुलाबी पत्ते, रंग बिरंगे फूल, आम की अमराइयां और भोरों का गुंजन, पूरी हवा महक उठती है सुगंध से। सही बात है। इसके अलावा मनीष भैया, आपने देखा होगा कोयल की कू 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 और वो पपीहे की पीहू पीहू, इतनी मनोहारी लगती है कसम से, बहुत बढ़िया। और वातावरण के रस में सराबोर करती झांझ और ठप की आवाज और बांसुरी की मधुर मधुर धुन, क्या हम सब पर जादू सा नहीं कर देती? हाँ दीदी, बसंत को इसलिए तो ऋतुओं का राजा कहते हैं। और इन्हीं उल्लास भरे भावों को व्यक्त करने आते हैं हमारे तीज त्योहार, जैसे होली, दिवाली, पोंगल, हाँ, गुड फ्राइडे, ईद और रंगीला बिहू। अरे भैया, चाचर और गणगौर को भी तो याद करिए। सचमुच दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ हर रोज ही कोई ना कोई तीज त्योहार मनाया जाता हो। दीदी, मुझे गीत की पंक्ति याद आ रही है, आप कहें तो सुनाओ। हाँ हाँ, सुनाओ ना। इस सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, दूध पूत के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। तो साथियों आओ, आज हम अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाती हैं, तरक्की देती हैं। और हाँ, उन बातों की चर्चा भी करेंगे जो अनजाने ही हमारी भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाती हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि संस्कृति के आयाम क्या हैं। जे बात तो है सविता बिटिया, तुम्हें तो कतई मेरे मन की बात कह दी। हमारी भाषा, हमारा तरीका, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास, हमारी कला, हमारा मंच और हमारा दर्शन, हमारी वेशभूषा और परमपिता परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति भावना, इन सभी का मिला जुला रूप कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति। और दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि हमारी सभ्यता और तहजीब दोनों का एक ही रूप है और वो है हमारी संस्कृति। इसका मतलब तो यह हुआ मनीष भैया कि हमारी संस्कृति से बाहर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो हमारे जीवन जहान की बातें आवे हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा काकी। भाइयों, आपकी भी समझ में कुछ आया कि नहीं? अब हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले होंगे सवाल जवाब। मैं पूछूंगी सवाल और हम देंगे जवाब। हाँ, तो पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, सारस, नीलकंठ या मोर? और हाँ, केवल वही लोग हाथ उठाएंगे जिन्हें सही सही मालूम है। अरे वाह। हाँ काकी, तीजन भाई बताएंगी। हंस, जाकिर तुम बताओ। मोर। हाँ बिल्कुल ठीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इस तरह जाकिर को मिल गए पूरे 5 नंबर। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, चंपा या चमेली? जी बहन जी, कमल। शाबाश जसबीर, अब तो 5 नंबर जसबीर के भी हो गए। मनीष जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी तरह से ध्यान है। हाँ, एक बात बताओ, विभिन्न धर्मों के प्रति हमारी विचारधारा या आम राय क्या है? मनीष भैया, सर्व धर्म संभाव।
अच्छा बताओ, भारत की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी विदेशी भी तारीफ करते हैं? मेहमान नवाजी। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपिता गांधी जी ने परम धर्म किसे माना है? सत्य और अहिंसा को। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा हम भारतवासियों को किसने दिया? मनीष भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा अब ये बताइए, कीदड़ की हजार साला जिंदगी से आजादी की जिंदगी के चंद लम्हे बेहतर हैं, ये सत्य हमें किसने बताया? टीपू सुल्तान ने। अब आप ये बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा हमें किसने दिया? भैया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बिल्कुल ठीक। मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने का उद्देश्य किस महापुरुष ने दिया? दीदी महात्मा बुद्ध। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक और प्रश्न, भूदान यज्ञ कराने वाले संत का नाम बताओ। मनीष भैया, संत विनोबा भावे। वाह वाह बहुत अच्छा। तो भाइयों अब हम अपनी भारतीय संस्कृति पर एक बार फिर से विचार करेंगे। तो मनीष भैया सबसे पहले लेते हैं हमारी वेशभूषा को। हमारी सबसे पहली पहचान होती है हमारी वेशभूषा यानी हमारा पहनावा। अरे भैया, किसी साधु को तो दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि वो साधु महाराज है। उसके गेरवे कपड़े होवे हैं, उसके हाथ में कमंडल होवे हैं, और तो और उसके गले में रुद्राक्ष की माला होवे है। बिल्कुल सही संजला, ऐसे तो अपने भाई जसबीर को ही ले लो। इनके सर पे बंधी पगड़ी और हाथ में पहने कड़े से ही पता चल जाता है कि ये तो सरदार जी हैं। एकदम सही। देखो सिख धर्म के ये पांच प्रकार हैं और इनकी परिपाटी दशम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शुरू की थी। और इसके और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सूट बूट और टाई पहने कोई बड़े साहब है, या फिर धोती कुर्ता पहने और कंधे पर गमछा डाले कोई हमारे ग्रामीण किसान भाई हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ तो मतलब ये हुआ कि हमारे पहनावे को देखकर हमारी राष्ट्रीयता का आसानी से पता लग जाता है। और पहनावा पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी एक विशेष प्रकार का होता है जो कि बहुत सुंदर होता है। जैसे पंजाब की बहने चुन्नी और सूट सलवार पहनती है, और हरियाणा की बहने लहंगा चोली, और राजस्थान की लहंगा और फरिया, और हाँ उधर महाराष्ट्र में लामदार धोती बांधती हैं, और पुरुष एक विशेष प्रकार की बहुत ही सुंदर पगड़ी का प्रयोग करते हैं। मनीष जी, साड़ी के भी तो कितने अलग अलग रूप होते हैं ना, जैसे बंगाली मराठी मछुआरों और आदिवासियों की अलग अलग ढंग से बंधी हुई साड़ियाँ कितनी खूबसूरत लगती है वो, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सविता जी तुमने तो पूरा साड़ी पुराण ही शुरू कर दिया। अच्छा भाइयों अब तो तुम लोगों ने मान लिया ना कि हमारी वेशभूषा की सुंदरता और अलग अलग पहनावे को देखकर पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति किस प्रांत का है या देश का, जैसे भारत का, चीन का या फिर यूरोप का। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपना पहनावा हमेशा अपनी आवश्यकता परिस्थिति और सुविधा के अनुसार ही तय करना चाहिए। और हाँ अगर कोई इसके लिए मजबूरी या दिक्कत पैदा करता है तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना है। लेकिन भाइयों जहाँ पर वर्दी या यूनिफॉर्म का सवाल है, भाई वहाँ तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिल्कुल। जैसे सेना में या पुलिस में, तो वहाँ तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मनीष जी आपने भारत की वेशभूषा और संस्कृति पर तो अच्छा खासा प्रकाश डाल दिया, लेकिन यहाँ के अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि खान पान पर भी जरूर कोई चर्चा की जाए। जी हाँ। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक बहुत ही रंग बिरंगा और विविधताओं वाला देश है। भोजन और खान पान के क्षेत्र में इतनी विविधता है कि हमारे व्यंजनों का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। मनीष भैया हमारे भारत वासी को खानो तो है ही बड़ो सीधो सादो और सादगी भरो। भैया जी तभी तो कहते हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु जी के गुण गाओ। क्यों काका, सरसों की सगिया और बाजरे की रोटियां दुबिया मगर मन खाए वाली बात काहे भूल गए? तीजो वो बात में कैसे भूल सकूं, बाजरे की रोटी गरमा गरम, ग्वार की फरी, चना को साग और बथुआ को रायतो, अरे यू तो मेरी मनपसंद चीज है। अरे मनीष भैया एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन सैलानी हमारे खेतों की ओर निकल आए। तब का भयो?
अरे होना क्या था भैया, मैं कलेऊ लेकर खेत पर पहुंची, पानी के हाथ की लगी बाजरे की रोटियां और गवार की फली सरसों के तेल में छुकी हुई। बस मैंने दो रोटी और सब्जी रजुआ के बापू को दे दी और दो खुद ही ले ली। इतने में पता काका क्या हुआ, अमरीकन साहब और मेम साहब दोनों हमारे पास आए। अरे भैया उन्हें देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, पर जब साहब और मेम साहब हमें देख के मुस्कुराए तो भैया जान में जान आई। असल में उन्हें लगी थी प्यास, मैंने पूछा कि साहब और मेम साहब खाना खाएगा, और मैंने पानी भी पिलाया और वो दोनों मुस्कुराए। तो भैया मैंने झट से एक एक रोटी और सब्जी दोनों को पकड़ा दी। मालूम है मेम साहब तो सूखी सब्जी खाकर उछल पड़ी और बोली, वाओ बड़ा टेस्टी है, क्या चीज है। और काका पता क्या बोली, बोली कि ये प्लेट कहाँ रखूं। अरे मैंने कहा मेम साहब ये प्लेट नहीं, ये तो रोटी है, अगर इसे सब्जी के साथ खाओगी तो खूब मजा आएगा। और काका घुमा लगी छाछ का रायता पी कर तो उसकी आंखों में चमक आ गई। पीजो, फिर का भैया। अरे फिर क्या होना था, वे लोग खुशी खुशी घर वापिस चले गए। अच्छा जब हम अगली बार ऐतिहासिक स्थलों की सैर पर चलेंगे तो सभी लोग अपने अपने घर से कोई ना कोई खाने की चीज जरूर बना के लाएंगे, जैसे हलवा, पूड़ी, तड़का लगी दाल, रोटी वगैरह वगैरह। और हाँ तीजन बाई भर कर लाएंगी एक घड़ा रायता मार लगा के। अच्छा भैया यो तो बताओ कि हम सैर पर कब और कहाँ जा रहे हैं। क्यों भाई, सैर इतनी अच्छी लगती है। चलो बहुत बढ़िया, अगली बार हम कार्यक्रम बनाएंगे राजस्थान की सैर का। वहाँ आप जानते हैं बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जैसे जयपुर, अजमेर शरीफ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राउत भाटा, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भैया क्या राजस्थान के लोगों का रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। देखो जाकिर, रामू काका कई बार राजस्थान होकर आए हैं, वहाँ के बारे में तो यही बताएंगे। सविता बिटिया यू बात तो है, तुम काऊ बड़े से बड़े शहर में चले जाओ या छोटे से छोटे से गाँव में चले जाओ, तुम्हें सब जगह कुछ ना कुछ फर्क तो मिलेगा ही, पर एक समानता जरूर नजर आएगी। लिपो पुतो घर, साफ सफाई, और आंगन में तुलसी को बीरवा, और ओसारे में बंदी गाय भैंस और बकरिया। रामू काका, आबादी बढ़ने के साथ साथ शहरों में रहने की जगह भी कम हो गई है, वहाँ पर लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। हाँ वहाँ रहने को आपकी तरह बड़े बड़े घर नहीं होते, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, मगर फिर भी लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। भले ही गमले में सही, लेकिन तुलसी का पौधा हर घर में मिल जाएगा। अरे मनीष भैया, हम तो गमलों में और लकड़ी के खोखों में तरह तरह के फूल पत्ती, पुदीना और करी पत्ता ये सब उगा लें। अरे वाह, किचन गार्डन का शौक गमलों से ही पूरा कर लेते हो, ठीक भी है, सबको अपने घर की परिस्थिति के मुताबिक ये सब करना भी चाहिए। अब देखो, भारत का रहने वाला व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो अपने साथ अपने तीज त्योहार, अपना साहित्य, अपना संगीत, अपने लोकगीत आदि साथ लेकर जरूर जाएगा। ये तो है मनीष भैया। रामू काका, मेरे चाचा के दोस्त ना मॉरिशस में रहते हैं, और वो बता रहे थे कि वहाँ जो भारतीय मूल के घर है ना, वहाँ पे रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब की पोथियाँ, मतलब कि जो भी जिस मजहब से है वो वहाँ जरूर मिलेगा। और काका मेहमानदारी में तो भैया वैसे ही हैं जैसे कि हमारे भारतीय घरों में होती है। ये तुमने बिल्कुल सही बात कही सुबोध, हमें अपने देश पर और अपनी संस्कृति पर दोनों पर गर्व होना चाहिए, यही तो हमारी पहचान है। और हाँ, हमारी मातृभाषा चाहे वो जो भी हो, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली या फिर राजभाषा हिंदी, जो भी हो, उनको हमें गर्व से देखना चाहिए, और हम जब भी मिलें आपस में परस्पर अपनी भाषा में ही बात करें। हाँ, और ये नहीं कि बात बात में अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझें। मैं ये नहीं कहती कि हमें अंग्रेजी और फ्रेंच, रशियन आदि भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, जो जितनी अधिक भाषाएं सीखना और जानना चाहे सीखे, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा और राजभाषा का व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। दीदी व्यवहारिक ज्ञान से क्या मतलब हुआ। अरे वही काम चलाने लायक ज्ञान,
और हाँ देखो साथियों, हम सभी को अपने अपने तीज त्योहार रीति रिवाजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और निभाना चाहिए। आप सभी जानते हैं हम लोग शुभ अवसरों पर पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, रोली बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सभी कार्य शुभ और मंगल के प्रतीक हैं। होली या ईद के मौके पर हम लोग गले मिलते हैं, बड़े दिन पर उपहार बांटते हैं। ये सभी कार्य बहुत ही शुभ होते हैं और यही तो हमारी संस्कृति की खूबियां हैं। हाँ तो हाँ जी, आज हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी बात सीखी। भैया हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। विदेशन की अच्छी अच्छी चीजों ने तुम सीखो पर नकल मत करो। अपने देश की जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, संस्कृति है, अच्छाई है, संस्कार है, उन्हें अपनाओ हैं। और भैया तुम जितना प्रकृति के नजदीक रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। बनावटी फने ते तो दूर रहो, नकल ते बचो। तो साथियों आज भारतीय संस्कृति की बात चली तो मुझे एक शेर याद आया। सुनाओ। सुनाइए ना। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो साथियों अंत में आपने आज का विचार तो देख ही लिया होगा और समझ लिया होगा। दुनिया के सारे इंसान, अरे अरे एक गलती हो गई, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ दुनिया के सारे इंसान हमको प्यारे प्राण समान। सभी सुखी खुशहाल रहे और सत्य मार्ग पर चला करें, खुद जियो सबको जीने दो, मंत्र का पालन किया करें। भारत की संस्कृति का सनातन सुख यही है अटल। भारत की संस्कृति का सनातन सुख यही है अटल। ये है नौ साक्षर में थी, ये है नौ साक्षर में थी, ये है नौ साक्षर में थी, ये है नौ साक्षर में थी। जसवीर भैया उन्हें को एक बात सुनो। देखो हमारा मंदिर है, या को रंग देखो, या के खंबा देखो, या की बनावट देखो, भैया भगवान जी विराज है या में भगवान जी को घर है यू। देखो भैया भगवान जी की कृपा हो तो सबको प्रसाद भरपेट खानो और सब माला माल। रामू काका अपने मंदिर को ही अच्छा कहते रहोगे, इसे देखो मस्जिद को कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है मस्जिद ये। अरे रामू काका इधर हो। अरे जाकिर भाई आप भी मंदिर और मस्जिद की बहस में पड़ गए हो। ये देखो स्वर्ण मंदिर कितनी शांति वाली जगह है, बहुत अच्छी। जो भी यहाँ जाता है उसके दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। रामू काका मंदिर ईश्वर खुदा वाहेगुरु सब एक है, सब हमको एक ही संदेश देते हैं शांति का, और कहते हैं हम सब एक हैं। अरे भैया जी नमस्कार। आप लोग बैठिए। हाँ फिर हम आचार्य जी से बात करते हैं। आइए आइए। हाँ आप कुर्सी लगा लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आचार्य जी आइए बैठिए। धन्यवाद। आज हम आचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठाएंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। देखिए दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो हमें आपस में लड़ना सिखाए, जो फूट पैदा करे, कलह मचाए, एक दूसरे के नुकसान के बारे में सोचने के लिए हमें प्रेरित करे, ऐसा कोई धर्म धर्म हो ही नहीं सकता। हमें काम करना है विश्व बंधुत्व के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग हर आदमी बराबर है, एक दूसरे की मदद के लिए।
धन्यवाद। मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कदम से कदम मिला के चले तो दूर निकलते हो, एक एक कर एक दीप से दिल गगन में होती जैसे तारों की जिंदगी।